हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाली हैं कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो की पूरी जानकारी के लिए। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्लॉक को ओपन करना है। क्लॉक ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी टाइम सेट करना है अलार्म को, आपको यहाँ से टाइम सेट कर लेना है। जो भी मिनट सेट करना है मिनट सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन का, आपको यहाँ पर रिंगटोन पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती है। जो भी आप अपने फ़ोन में अलार्म की रिंगटोन सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलार्म नेम का, आपको अलार्म नेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में अलार्म का नेम डाल सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में अलार्म किस चीज़ के लिए लगाना चाहते हो। इसके बाद में यहाँ से आपको बेक होना है। बेक होने के बाद में यहाँ से आपका राइट का टिक देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में अलार्म सेट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।